प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको आशीष देते हैं और फिर से हम आपके साथ हैं खुदा उनका वचन लेकर। हम देख रहे हैं भजन संहिता उसका 42 और जो पिछले एपिसोड्स हैं, हमने पिछले 5 एपिसोड्स में हमने देखा कि किस तरह जो भजनकार है वो परमेश्वर का प्यासा है और उसके पास एक उम्मीद भी है कि वो परमेश्वर के पास जाएगा और फिर से उसकी आराधना करेगा। जो पिछला एपिसोड था उसमें हम देख रहे थे कि जो भजनकार है, वचन 6 में, भजन संहिता 42 उसके 6 वचन में हम देख रहे थे कि वो कहता है कि हे प्रभु, मैं यर्दन के पास के देश से और हेरबोन के पहाड़ों पर मिसगार की पहाड़ियों से तुझे याद करता हूँ। तो हमने देखा कि जो हेरमोन का पहाड़ है वो बहुत ऊंचाई पर है, लगभग 2814 मीटर ऊंचा, 9232 फीट सी लेवल से उसकी जो ऊंचाई है, और उस जगह पर जाके भजनकार जो है वो परमेश्वर को याद करता है। आज हम आगे जाएंगे, आज पढ़ेंगे वचन 7, 8 और 9 वचन, इसके ऊपर हम ध्यान करेंगे। वचन 7 पढ़ रहा हूं मैं, भजन संहिता 42 का 7वां वचन लिखा है, तेरी जल धाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है, तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूं। वचन 8, तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। वचन 9, मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूंगा, तू मुझे भूल गया? मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूं? प्रभु अपने वचनों पर आशीष दे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमने पिछले दिनों में देखा था कि जो भजनकार है उसके पास एक भूख है, उसके पास एक प्यास है, वो खुदावन को मिलना चाहता है, वो परमेश्वर को देखना चाहता है, परमेश्वर को अपना मुंह दिखाना चाहता है। तभी वो कहता है कि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हांफती है, मैं परमेश्वर के लिए हांफता हूं। आज हम जो वचन 7 देख रहे हैं, वचन 7 में वो कहता है तेरी जल धाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है और तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूं। ध्यान से सुनिए, वचन 1 में भी एक जल है, जैसे जब वो कहता कि मैं जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हांफती है, लेकिन ये जल जो है ये और है, जो जल जल को पुकारता है, तेरी सारी तरंगों और मैं लहरों में डूब गया हूं। तो ये एक मुसीबत को दिखा रहा है, एक परेशानी को दिखा रहा है। भजनकार के ऊपर एक परेशानी है कि वो परमेश्वर के भवन में नहीं जा पा रहा, वो इस बात को लेकर व्याकुल है। उसके पास और बहुत सारी समस्याएं हैं, जो शत्रु है उसके पीछे है, वो मारा मारा फिर रहा है, लेकिन उसने इस भजन में शत्रु का जिक्र नहीं किया। वो इसी बात की बात करता है कि मैं कब जाकर खुदावन को अपना मुंह दिखाऊंगा। वो परमेश्वर की प्यास की बात करता है, वो परमेश्वर के साथ मिलने की बात करता है, वो परमेश्वर को अपना मुख दिखाने की बात करता है, वो परमेश्वर को याद करने की बात करता है। वचन 7 में वो कह रहा है कि तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूं। जब कभी लहरों और तरंगों में डूबने की बात आती है तो ये सीधा सीधा एक बहुत बड़ी मुसीबत की ओर इशारा होता है। अगर आप योना की घटना को जानते हैं, योना नबी जो परमेश्वर के सम्मुख भाग गया था और उसके बाद परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से उसको मछली के पेट में डाल दिया था कि वो नीनवे में जाकर प्रचार करे। तो जो योना मछली के पेट में था, तो भजन योना की पुस्तक उसके 2 अध्याय में उसके 3 वचन में ऐसे लिखा हुआ है, योना कहता है तूने मुझे गहरे सागर की थाह तक डाल दिया है, मैं धाराओं के बीच में पड़ा था और तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई थी। ध्यान से सुनिए, वो कह रहा है तेरी सारी भड़काई हुई तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई थी। तो जो योना है वो मुसीबत में है और जो भजनकार है वो भी एक मुसीबत की तरफ इशारा कर रहा है। वो कह रहा है कि हे प्रभु, मुसीबत है मेरे ऊपर। समस्या क्या है उसकी? उसकी समस्या तो बहुत सारी समस्या है, लेकिन जो उसकी मेन समस्या है वो ये बता रहा है कि मैं खुदा के भवन में नहीं जा पा रहा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्या हमने
अपनी इस समस्या को इतने गंभीरता से लिया। हम भी कुछ समय से, लगभग 4 महीनों से हम खुदा के भवन में नहीं जा रहे। क्या हम इसको एक बड़ी समस्या नहीं मान रहे? क्या हम खुदा के लिए प्यासे नहीं है? भजनकार परमेश्वर के लिए प्यासा है। वो कहता मैं कब जाकर खुदा को अपना मुंह दिखाऊंगा। और आज जो हमने पढ़ा वो कह रहा है तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूं। परेशानी की बात कर रहा है, लेकिन जब भी हम इस भजन में देखते हैं भजनकार परेशान होता है तो वो फिर एक आशा की बात करता है, उसके पास एक उम्मीद है। 5वें वचन में भी हम देख रहे थे, वो कह रहा था परमेश्वर पर आशा लगाए रहा। हे मेरे मन, तू परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। आज हम देखते हैं वचन 7:8 लिखा हुआ है, जब 7 में कहता है तेरी सारी तरंगों और लहरों में डूब गए हम, वचन 8 में कहता है तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और अपनी करुणा प्रकट करेगा। देखिए, तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और अपनी करुणा प्रकट करेगा और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। ऐसा नहीं है कि वो रात का समय था जब भजनकार ये बात कह रहा है, तरंगों की बात कर रहा है, रात की बात कर रहा है, दिन की बात कर रहा है। जो लहरें और तरंगे जो है वो मुसीबतें हैं, और जब वो दिन की बात कर रहा है वो एक उम्मीद को दिखा रहा है, उस बात को वो दिन कह रहा है जब वो परमेश्वर के भवन में जाएगा। बोला तो भी दिन को खुदावन अपनी करुणा और अपनी शक्ति को प्रकट करेगा। वो परमेश्वर की सामर्थ को जानता था, भजनकार है, उसको पता है कि जो यहोवा की करुणा है वो कितनी अद्भुत है। उसको पता है कि जो यहोवा की करुणा है वो जीवन से भी उत्तम है। उसको पता है कि जो यहोवा की करुणा है वो पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। भजनकार को पता है कि जो यहोवा की करुणा है वो उसके डरवियों के साथ हमेशा बनी रहती है। उसको पता है कि उसकी करुणा का ये फल है कि हम मिट नहीं गए। इसीलिए वो बोल रहा है कि दिन को खुदावन अपनी करुणा और अपनी शक्ति को प्रकट करेगा। साथ में वो क्या कह रहा है, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। वो उस मुसीबत के समय को रात कह रहा है, उस परेशानी को वो रात कह रहा है। उसको पता है कि दिन होने वाला है। बाइबल में लिखा है कदाचित तुमको रात को रोना पड़े लेकिन सुबह तुम्हें आनंद पहुंचेगा। उसको पता है कि सुबह होगी, उसको उम्मीद है कि परमेश्वर सब कुछ ठीक कर देगा। जो मेरे जीवन के हालात हैं, जो मेरे जीवन की परेशानियां हैं, परमेश्वर उनको दूर कर देगा। परेशानियां भी दूर नहीं हो रही, लेकिन वो क्या कह रहा है, मुझे पता है कि परमेश्वर अपनी करुणा को, परमेश्वर अपनी शक्ति को प्रकट करेगा। और साथ ही वो कह रहा है कि रात के समय मैं उसका गीत गाऊंगा। वंडरफुल, मुसीबत के समय, तकलीफ के समय मैं परमेश्वर का गीत गाऊंगा। बाइबल कहती है तुम में अगर कोई दुखी है तो वो दुआ करे, अगर कोई आनंदित है तो वो स्तुति के भजन गाए। आनंद के समय स्तुति के भजन गाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भजनकार रात के समय, तकलीफ के समय कह रहा मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। बहुत बार मुसीबत के समय पर मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम दुआ करना छोड़ देते हैं, हम गीत गाना छोड़ देते हैं। अभी हमारे लिए ये समस्या है कि चर्च नहीं खुले हुए, हम कलीसिया में नहीं जा रहे, तो क्या हम वर्शिप करना बंद कर दें? क्या हम प्रार्थना करना बंद कर दें? नहीं, वो टाइम आएगा जब प्रभु सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन जब तक रात है हम भी खुदावन के गीत गाएं, हम भी खुदावन से दुआ करते रहे। भजनकार कहता है मैं रात के समय उसका गीत गाऊंगा, रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। क्या प्रार्थना करूंगा? वो कहता है मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूंगा। देखिए क्या प्रार्थना करेगा वो, मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है उसे कहूंगा तू मुझे भूल गया है, तू मुझे भूल गया है। दूसरा सवाल, मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूं? क्यों शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूं?
मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब शत्रु हमारे ऊपर अंधेर करता है तो जो शोक का पहरावा है हम उसको पहन लेते हैं, वो हमारे ऊपर हैवी हो जाता है। लेकिन वजन का कह रहा, मैं प्रभु से कहूंगा मैं क्यों पहनूं, अब मुझे उतारना होगा। यस, हम शोक का पहरावा पहने हुए नहीं चल सकते। क्यों चले? कोई कारण नहीं बनता। हम शत्रु के अंधेर के मारे, अगर शत्रु हमारे ऊपर अंधेर करता है तो हम उस अंधेर को अपने ऊपर हैवी ना होने दे। वो यही कह रहा है, बोलता मैं रात के समय खुदावन से दुआ करूंगा, अपने ईश्वर से जो मेरा जीवन दाता है उससे प्रार्थना करूंगा और कहूंगा तू मुझे भूल गया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मुसीबत के समय प्रार्थना करना और मुसीबत के समय खुदा उनकी स्तुति करना, मुसीबत के समय आशा में बने रहना, यही हमारी सामर्थ्य है। आए हम इन दिनों जब हम अपने जीवन में बहुत सारी तकलीफों को देख रहे हैं, खुदावन के भवन में नहीं जा रहे, सामूहिक रूप में हम खुदावन की स्तुति नहीं कर रहे, हमें भी वो याद आता होगा जैसे भजन का कहता है वचन 4 में कि मुझे याद आता है कि मैं कैसे स्तुति करने वाली भीड़ के साथ धीरे धीरे खुदा के भवन में जाया करता था। अगर हमें भी कुछ याद आता है तो उन बातों को याद करके आशा में बने रहें और रात के समय भी प्रभु की स्तुति करें। इस लॉकडाउन के समय, कोरोना वायरस के समय जब महामारी है तो भी गीत गाएं, प्रार्थना करें और उम्मीद में बने रहें और यही कहें जैसे भजन का कहता है, तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और अपनी करुणा प्रकट करेगा। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।